ये मामा शिवराज की पुलिस है, ये बिना वजह लोगों को पीटती है। तस्वीरें देखिए, पुलिस की बेरहमी की ये तस्वीरें इन युवाओं के पीठ पर चस्पा है। इन युवकों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये चारों एक आरोपी के मित्र थे, बस इसी वजह से इन चारों को पुलिस ने उठाया और थाने में ले जाकर बेल्ट और कोड़ों से इनकी पिटाई कर दी। पीटे गए सभी लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इनको थाने के अंदर बांध करके बेल्टों से कोड़ों से पीटा, इनके पूरे शरीर पर घाव बने हुए हैं। जब हम लोगों को 4-5 बजे पता चला कि हमारे कार्यकर्ता को थाना में बांध कर पुलिस वाले पीट रहे हैं, हम और हमारे बजरंग दल के सहयोग गए और वहां पर घटना को जाना, क्या मुद्दे से बात किया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हम मेडिकल कराने आपके भेजे, जबकि वो थाना में सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए कभी जयद्वारा, कभी कोठी और कभी सतना, यहाँ से उनका मेडिकल करा ले गए। उनके पूरे शरीर पे घाव के निशान हैं। मामला बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस ने भी आनन फानन में कार्रवाई की और इस मामले में तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। जैतवारा पुलिस में 3 लोगों को, एक प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक हैं जिनको निलंबन किया गया है, उनके द्वारा मारपीट करने का पूछताछ के दौरान एक मामला प्रकाश में आया है और उसमें आगे की जांच, उनको निलंबित करके हटा दिया गया है। आगे की जांच SDOP के द्वारा की जाएगी। क्या वजह थी कि मारपीट करनी पड़ी पुलिस कर्मियों को? नहीं, ये इन्होंने पूछताछ के दौरान कुछ लोगों को लेके आए थे और उनके साथ फिर मारपीट की। कोई मामला था उससे? उनके ऊपर तो कोई मामला नहीं था जिनकी मारपीट की है, लेकिन जिसके ऊपर मामला था उनके ये परिचित या मित्र या ये कह सकते हैं साथी हो सकते थे, इस मामले को लेके उनके द्वारा पूछताछ के दौरान मारपीट। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया था जिसको लेकर यूपी की BJP सरकार की भी काफी फजीहत हुई थी, लेकिन लगता है कि उस घटना से MP पुलिस को कोई सीख नहीं मिली है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट।